हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आप जानते हैं गर्भवती महिलाओं को कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। भक्तों का सैलाब देखकर चारधाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा बढ़ा, धामी सरकार का बड़ा फैसला। चारधाम दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और 10 मई से शुरू चारधाम यात्रा में यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से तीर्थयात्री गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि चारों धामों में तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने चारधाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का स्लॉट बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। चारधाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पुनः 1 जून से शुरू हो गया था। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 1500-1500 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। रजिस्ट्रेशन की कम संख्या होने पर यात्री कई बार विरोध भी दर्ज करा चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब रोजाना 4000 यात्री रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 3000 की सीमा को बढ़ाकर 4000 करने के निर्देश दिए। तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने इस संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों स्थानों पर अब 2000 यात्री रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मुख्यमंत्री आवास में नियमित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत हो। गर्मी का कहर, दिल्ली के सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद, माँ बच्चे को ऐसे मिलेगा भोजन? दिल्ली इस वक्त भीषण गर्मी का सामना कर रही है और दिल्ली में हीट वेव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली के आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कैलाश गहलोत ने बताया कि 1 जून से लेकर 30 जून तक दिल्ली के सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कैलाश गहलोत ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में मौजूद हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ये तय किया गया है कि यहाँ के सभी आंगनवाड़ी केंद्र 1 जून से 30 जून तक बंद रहेंगे। बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरक पोषण खाद्य सामग्री सीधे लाभार्थियों के दरवाजे पर टेक होम राशन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें केंद्र पर आम तौर पर गर्म पका हुआ भोजन मिलता है। मैंने सचिव WCD को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने एक वोटर को रिझाने में खर्च किए 12 रुपए, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रहा इतना बजट। संसदीय सीट में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों को लाखों रुपए खर्च करने पड़े। प्रचार खर्च में भाजपा पहले तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर ही। एक मतदाता को रिझाने में यहां उत्तराखंड में भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा को 12 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को 8 रुपए खर्च करने पड़े। वहीं उत्तराखंड के सभी 7 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो एक मतदाता तक पहुंचने में 20 रुपए 85 पैसे का खर्च आया। अल्मोड़ा संसदीय सीट में पंजीकृत 13,39,327 में से 6,53,896 मतदाताओं ने मतदान किया और इनमें 3,05,516 पुरुष और 3,48,378 महिलाएं शामिल रही। वहीं चुनाव आयोग ने एक प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख रुपए तय की थी। भाजपा के अजय टमटा ने सबसे अधिक 76,98,843 रुपए प्रचार में लगाए। वहीं एक मतदाता को रिझाने के लिए उन्हें 11 रुपए 77 पैसे की कीमत चुकानी पड़ी। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने 51,76,957 रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। उनके लिए एक मतदाता तक पहुंचने की कीमत 7 रुपए 91 पैसे रही। दोनों प्रत्याशियों का चुनाव खर्च 1,28,00,000 रुपए आया। वहीं दोनों को एक मतदाता तक पहुंचने में 19 रुपए 69 पैसे चुकाने पड़े। गर्मी में पानी की बर्बादी पर हुआ सख्त एक्शन, 2,50,000 रुपए का ठोका जुर्माना। गर्मी के मौसम में दिन प्रतिदिन बढ़ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जल संस्थान उत्तराखंड ने पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। पीने के पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ जल संस्थान 10,000 रुपए का जुर्माना लगा रहा है।
बीते सप्ताह ऐसे 25 लोगों के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का उत्तराखंड में जुर्माना लगाया गया और इन दिनों पूरे पछुवादून क्षेत्र में पेयजल किल्लत छाई रही। ये अलग बात है कि इस साल के अंत तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में 24 घंटे शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने के दावे बीते 3 साल से किए जा रहे हैं। पछुवादून में तो जल जीवन मिशन के तहत 95% काम पूरा हो चुका है और इसके साथ ही विकास नगर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में 64 करोड़ की पेरी अर्बन योजना भी बीते साल बनकर तैयार हो चुकी है। नगर पालिका क्षेत्र के लिए 150 करोड़ की विश्व बैंक पोषित योजना 3 साल से बन रही है। बावजूद इसके ये भी सच्चाई है कि शहर से लेकर गांव तक पीने के पानी का भयंकर संकट बना हुआ है। कोरियाई तानाशाह की घटिया और बेतुकी हरकत, पड़ोसी देश में भेजे रहे हैं कचरे से भरे हुए गुब्बारे, दक्षिण कोरिया उठाएगा इस पर अब बड़ा कदम। बता दें कि उत्तर कोरिया ने पिछले मंगलवार से अब तक पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में 1000 से अधिक गुब्बारे उड़ाए हैं और इन गुब्बारों में कचरा भरा हुआ है। इस कचरे में सिगरेट के टुकड़े, फटे पुराने सड़े कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, रद्दी कागज और खाद भरी हुई है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि अब तक इन गुब्बारों में खतरनाक पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन हमने अपने नागरिकों को इन गुब्बारों और उनसे निकलने वाले कचरे से दूर रहने की हिदायत दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को पूरी दुनिया में अजीब तरह के शौक और दिल दहला देने वाली हरकतों और कारनामों के लिए जाना जाता है। उसके द्वारा पड़ोसी देशों में कचरा भरे गुब्बारे भेजना इसी का एक उदाहरण है। इस पर पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया का कहना है कि परमाणु हथियार रखने वाले एक देश के लिए इस तरह की हरकतें बेहद घटिया और बेतुकी है। इसी के साथ ही दक्षिण कोरिया ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर किम जोंग उन ने इस तरह की घटिया हरकतें बंद नहीं की तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बढ़ाई टोल दरें, अब चुकाने पड़ेंगे इतने रुपए। खबर है कि NHAI ने 3 जून की मध्यरात्रि से टोल दरें 5% तक बढ़ा दी हैं। NHAI की ओर से टोल दरों में वृद्धि करने से दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक जाने के लिए अब वाहन चालकों को ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी और इसी प्रकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोहना, नूह, अलवर होकर जयपुर तक सफर करने के लिए भी वाहन चालकों को ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। वैसे तो NHAI की ओर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर टोल की दरें गत 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस निर्णय पर रोक लगा रखी थी। अब मतदान पूर्ण होने के बाद 3 जून को NHAI ने टोल दरें बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इमरजेंसी बैठक बुलाइए, सबसे करिए बात, दिल्ली के जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बता दें कि दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को इमरजेंसी बैठक बुलाने को कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सभी संबंधित राज्यों से बात करके दिल्ली के जल संकट का समाधान निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने बैठक की कार्यवाही और उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं। बता दें कि जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केपी विश्वनाथन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से पेश हुए वकील इस बात पर सहमत हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत पर अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी कि हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों को 1 महीने अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने को कहा जाए। बता दें कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की ओर से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है और इस वजह से संकट उत्पन्न हुआ है। हालांकि हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह निर्धारित कोटे से पानी दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों को लेटर लिखकर संकट की घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाने की अपील की है। राजधानी के कई इलाकों में इन दिनों लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं कुछ इलाकों में 48 घंटे में एक बार ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है और कई इलाके पूरी तरह टैंकर पर निर्भर हैं। प्रचंड गर्मी के चलते सूख रहे हैं ब्लड बैंक, थैलेसीमिया कैंसर के मरीजों और दुर्घटना में घायलों का बड़ा संकट। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते प्रयागराज में सरकारी ब्लड बैंकों में रक्त न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। बिना रक्तदाता यानी डोनर के जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों,
कैंसर पीड़ितों और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि पिछले 2 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से, जिससे सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी रक्तदान शिविर आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। मई में तेज बहादुर सप्रू अस्पताल बेली की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन केवल 2 यूनिट रक्तदान हुआ। बता दें कि SRN अस्पताल में ब्लड बैंक के परामर्शदाता विनोद तिवारी ने बताया कि मई महीने में किसी माध्यम से रक्त प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि मांग 200 यूनिट से अधिक रही। थैलेसीमिया, कैंसर, जननी सुरक्षा, दुर्घटना में घायल जरूरतमंद लोगों को बिना डोनर के 120 से 130 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में थैलेसीमिया के 80 बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें हर महीने जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से रक्त दिया जाता है, क्योंकि थैलेसीमिया की बीमारी में रक्त का बनना बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की जीवन रक्षा के लिए लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिसे बिना डोनर के रक्त मिल सके। मतगणना केंद्रों पर भीड़ बुलाने वालों पर नजर, DGP ने चेताया, बोले विधानसभा चुनाव वाली सख्ती होगी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि कुछ लोग 4 जून को लोगों से बड़ी संख्या में मतगणना केंद्रों पर पहुंचने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए DGP कुमार ने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि कुछ लोग लोगों से बड़ी संख्या में मतगणना केंद्रों पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने कहा कि हमारे पास ऐसे लोगों के नाम भी हैं और इसे सही समय पर साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोगों ने समस्या पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी जानते हैं कि तब ऐसे तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। वंदे भारत के बाद आ रही है एयर टैक्सी, 7 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली टू गुड़गांव, इतना हो जाएगा किराया। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब देश को एयर टैक्सी की सौगात जल्दी मिलने वाली है। खबर है कि उड्डयन मंत्रालय अर्बन एयर मोबिलिटी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2026 तक भारत को एयर टैक्सी के लिहाज से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक DGCA ने देश में एयर टैक्सी की उड़ान को लेकर रोडमैप तैयार करने के लिए कई तकनीकी समितियों का गठन किया है। ई वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी EVTOL से जुड़े हुए नियमों को तैयार करने के बाद इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटर ग्लोब इंफ्रास्ट्रक्चर IGE इंफ्रा को लेकर काम शुरू कर देगी। IGE अमेरिकी एयर टैक्सी कंपनी आर्चर एविएशन के साथ मिलकर काम करने जा रही है। आपको बता दें कि अखबार से बातचीत के मामले के जानकार बताते हैं कि DGCA ने एयर टैक्सी से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की जानकारी जुटाने के लिए कई पैनल गठित किए हैं। इनमें एयर नेविगेशन, किस रूट पर एयर टैक्सी काम करेगी, सुरक्षा और वर्टिपोर्ट से जुड़े हुए स्टैंडर्ड शामिल हैं। भारत में एयर टैक्सी से जुड़ा हुआ सारा का सारा काम साल 2026 तक पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर टैक्सी की शुरुआत दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु में साल 2026 तक हो जाएगी। इसके बाद चेन्नई और हैदराबाद में इस सेवा का आगाज होगा। अखबार से चर्चा में आर्चर्स के CCO निखिल गोयल बताया उन्होंने कि एयर टैक्सी के किराया कैब सर्विस उबर से थोड़ा ज्यादा होगा। चुनाव परिणाम के बाद हारने वाले प्रत्याशी करवा सकेंगे EVM की जांच, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताए नियम। चुनाव के दौरान और परिणाम के बाद अक्सर हारने वाले दल EVM में छेड़छाड़ के आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने इस बार EVM की मेमोरी की जांच करवाने की SOP जारी की है। नियमों के मुताबिक नंबर 2 और नंबर 3 पर आने वाले प्रत्याशी परिणाम के 1 सप्ताह के अंदर EVM माइक्रो कंट्रोलर के जरिए मेमोरी का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जून यानी कि मंगलवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी किए जाएंगे। इसके बाद 10 जून तक हारने वाले प्रत्याशी वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को SOP भेज दिया है। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में निर्देश दिया था। नियमों के मुताबिक एक विधानसभा सीट या फिर सेगमेंट में 5% EVM की वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है और ये वेरिफिकेशन प्रत्याशी और EVM मैन्युफैक्चरर के इंजीनियर्स की उपस्थिति में किया जाएगा। चुनाव परिणाम जारी होने के 2 महीने के भीतर ही ये प्रक्रिया पूरी हो जानी है। सिस्टम का मजाक बना दिया, EVM तोड़ने वाले विधायक को सुरक्षा देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
YSRCP विधायक को मिली अंतरिम सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। शीर्ष न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को सिस्टम के साथ भद्दा मजाक करार दिया और इस दौरान अदालत ने उस खास तौर पर से वीडियो सबूत का भी जिक्र किया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशनल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी विधायक पिन्नेली रामाकृष्ण रेड्डी के मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को भी गैर जरूरी बताया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि यह सिस्टम के साथ मजाक है, अंतरिम सुरक्षा देना बहुत ही गलत है, इसकी जरूरत आखिर क्या थी। विधायक रेड्डी पर मतदान केंद्र में जाकर ईवीएम तोड़ने के आरोप हैं। मार्चला विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ YSRCP के उम्मीदवार रेड्डी अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर मतदान केंद्र में घुसे और VVPAT व ईवीएम मशीनों को तोड़ दिया। उच्च न्यायालय ने 28 मई को रेड्डी को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद, ISI के लिए जासूसी का आरोप। नागपुर की एक अदालत ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप हैं। निशांत अग्रवाल को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एयरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर थे और मिसाइल परियोजनाओं में शामिल थे। अग्रवाल को ISI को परियोजनाओं के बारे में गोपनीय जानकारी देने के आरोप में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ATS और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2018 में नागपुर के पास से गिरफ्तार किया था। चुनाव आयोग ने मानी गलती, कहा गर्मी से पहले हो जाने चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने भीषण गर्मी के बीच चुनाव कराने को अपनी गलती माना है। इसके साथ ही ये भी स्वीकार किया है कि चुनाव गर्मी के मौसम में नहीं कराए जाने चाहिए। खास बात है कि आयोग ने 7 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया था, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक करीब 45 दिनों तक चले थे। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आ रहे हैं। 7 चरणों के मतदान का दौर समाप्त होने के बाद और मतगणना के एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने आम चुनाव से जुड़े हुए सवालों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि ये प्रक्रिया गर्मी के पहले पूरी हो जानी चाहिए। खास बात यह है कि शुरुआती चरणों में हुए कम मतदान की एक वजह गर्मी को भी माना गया है। जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन से झटका, 150 DM को धमकाने के मामले में और मोहलत देने से इनकार, शाम तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उस मामले में अपना पक्ष रखने और अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले ये दावा किया था कि मतगणना से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर के 150 जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं और ऐसा कर वह चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश के इस ट्वीट पर भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आयोग ने जयराम रमेश से अपना पक्ष रखने को कहा था। बता दें कि आयोग के नोटिस पर रमेश ने 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय देने की मांग की थी, जिसे लेकर आयोग ने साफ इनकार कर दिया और सोमवार शाम के 7 बजे तक उनसे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। रमेश को लिखे गए पत्र में आयोग ने 3 जून को शाम 7 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, अन्यथा चुनाव आयोग उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर लोगों को लिंग के आधार पर मिलेगा आरक्षण। खबर है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग के आधार पर आरक्षण देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ट्रांसजेंडर आरक्षण खुद लेकर आई थी, लेकिन प्रस्ताव अदालत के आदेश से अलग था। मद्रास हाईकोर्ट रसिका राज नाम के ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। रसिका एक नर्स हैं और तमिलनाडु नर्सेज एंड मिडवाइज काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं। उन्हें तमिलनाडु सरकार की आरक्षण व्यवस्था के तहत आरक्षण मिल रहा था, लेकिन वह इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी। कोटा के अंदर कोटा दरअसल राज्य सरकार की नीति के तहत राज्य में जो ट्रांसजेंडर खुद को ट्रांसजेंडर महिला मानते हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का और बाकी ट्रांसजेंडरों को वर्टिकल आरक्षण देने का प्रावधान है। वर्टिकल आरक्षण यानी कि सीधा आरक्षण होता है, और इसके विपरीत हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब होता है वर्टिकल आरक्षण के तहत किसी विशेष वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण। इसे कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था भी कहा जाता है। इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सीफर मामले में किया बरी, जेल से अभी नहीं हो पाएंगे रिहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने सीफर मामले में पीटीआई के दोनों नेताओं को बरी कर दिया। बता दें कि आईएचसी के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने सीफर मामले में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील स्वीकार करने के बाद अपना फैसला सुनाया। हालांकि तोशाखाना और इद्दत मामले में सजा के कारण पीटीआई के दोनों नेताओं के जेल से रिहा होने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हाल ही में 9 मई को मामले में गिरफ्तार किया गया था। मालदीव के बैन से भड़का इसराइल, नागरिकों को दी सलाह, कहा जहां मोदी गए वहां जाएं। हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश मालदीव ने एक दिन पहले ही इजरायली पासपोर्ट धारकों के अपने देश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं इससे इजरायल भड़क गया है और अपने नागरिकों को सलाह दी है कि मालदीव का बहिष्कार करते हुए हिंद महासागर में ही भारत के उन द्वीपों का भ्रमण करें जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। भारत में इजरायली दूतावास ने हिंदी और अंग्रेजी में ट्वीट कर लोगों से कहा कि कई ऐसे भारतीय समुद्र तट हैं जो बेहद खूबसूरत है और वहां बेहद आदर सत्कार किया जाता है। दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जैसे ही मालदीव ने अब इजरायलियों के आने पर बैन लगा दिया है, नीचे दिए गए कुछ खूबसूरत और अद्भुत समुद्री तट हैं जहां पर इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता है और बेहद आदर सत्कार किया जाता है। हमारे डिप्लोमेट्स द्वारा यात्रा की गई जगहों के आधार पर @IsraelInIndia के कुछ सुझाव हैं। इसके साथ ही भारत के 4 खूबसूरत समुद्र तटों की तस्वीर भी साझा की गई है। जिन तटों की तस्वीर साझा की गई है उनमें लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल के तट शामिल हैं। रियल टाइम वोटर टर्नआउट और अंतिम आंकड़ों में अंतर, ऐसी बातों पर भड़क गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने देश में चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर एक बार फिर से जोर दिया। इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया कि चुनाव के बारे में अनर्गल बातें फैलाने का बाजार बड़ा खतरा बना हुआ है, इसके खिलाफ सावधानी बढ़ाने की जरूरत है। चुनाव के दौरान अनर्गल बातों के फैलाने का पैटर्न दिखने लगा है जो घातक है और ये आयोग के लिए सबक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार एक पैटर्न के तहत हमारे ऊपर हमला किया गया और हर हमला झूठ साबित हुआ, वह फेक नैरेटिव साबित हुआ। इस चुनाव की कुछ महत्वपूर्ण सीख है, एक तो हमें भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए ये चुनाव एक महीने पहले पूरा करा लेना चाहिए था और दूसरा सीख है अनर्गल प्रचार से निपटने की जरूरत का सबक है। ईडी ने के कविता को लेकर कहा, 8 मोबाइल फोन से डेटा हटाया, 10 लाख का कमरा बुक किया। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े हुए एक धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कई अहम बातें कही हैं। ईडी ने अदालत में कविता के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर की है जिनमें कहा गया है कि के कविता ने 8 मोबाइल फोन के डेटा मिटाए हैं और इनमें सबूत हो सकते थे। ईडी ने यह भी कहा कि के कविता ने 5 सितारा होटल में 10 लाख रुपए का एक कमरा बुक किया था। आज का सुविचार, अगर आपको चीज खरीदने से पहले कीमत देखना पसंद नहीं है तो घड़ी देखे बिना मेहनत करना शुरू कर दो, फिर सफलता आपके कदमों में होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।